नमस्कार, आप देख रहे हैं एचटीवी न्यूज। मैं हूं रणधीर कुमार। उत्तर बिहार की प्रमुख खबरों की शुरुआत में डालते हैं आज की सुर्खियों पर एक नजर। चुनाव में ताल ठोकने तो सब आ रहे हैं, पर जनता के मुश्किल दिनों का साथी कौन था? जब गद्दी मिली तो क्या किया, और ना मिली तब कहां थे? हर वादों की पड़ताल होगी, हर एक काम का हिसाब होगा, हर चीज को परखा जाएगा, हर बात को तोला जाएगा। इस बार जनता लेगी सबकी खबर, और हर खबर से आप रहेंगे बाखबर। एच टीवी न्यूज पर देखिए काहार बा मुखिया जी, पंचायत चुनाव 2021 की मेगा कवरेज। आगामी 7 नवंबर 2021 को कृषि विज्ञान केंद्र पिपराकोठी पहुंचेंगे देश के उपराष्ट्रपति, बिहार के राज्यपाल व मुख्यमंत्री समेत कई मंत्री। आज कार्यक्रम स्थल का जायजा लेने पहुंचे पूर्वी चंपारण जिलाधिकारी और पुलिस कप्तान। आदर्श आचार संहिता उल्लंघन मामले में फंसी पिपराकोठी से जिला परिषद की प्रत्याशी नीतू देवी सैकड़ों समर्थकों के साथ एनएच पर जुलूस को देख जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक ने दिया न्याय संगत कार्रवाई करने का आदेश। किसानों को जागरूक करने के उद्देश्य से मोतिहारी समाहरणालय से पूर्वी चंपारण जिलाधिकारी एवं पुलिस कप्तान ने संयुक्त रूप से प्रचार रथ को हरी झंडी दिखाकर प्रखंडों में किया रवाना। साठी थाना अध्यक्ष ने किया बूथों का सत्यापन, लिया विधि व्यवस्था का जायजा। लौरिया प्रखंड क्षेत्र में आगामी 3 नवंबर को है मतदान। भूस्खलन की घटना में हुए मृतकों के परिजनों को दिया गया सहायता राशि का चेक। नैनीताल में भूस्खलन में गई थी प्रवासी मजदूरों की जान। दरवाजे पर से सरिया का बंडल हुआ चोरी, मझौलिया थाना क्षेत्र के बैठनिया भानाचक पंचायत का है मामला, वारदात सीसीटीवी में कैद। विद्युत की चपेट में आने से एक 56 वर्षीय वृद्ध विशेषण महतो की हुई मौत, फिनहरा थाना क्षेत्र का है मामला। मझौलिया निर्वाची पदाधिकारी सह प्रखंड विकास पदाधिकारी ने पत्रकारों से की बात, पंचायत आम निर्वाचन 2021 को निष्पक्ष, पारदर्शी, भयमुक्त और स्वतंत्र रूप से संपन्न कराने की कही बात। चुनाव में ताल ठोकने तो सब आ रहे हैं, पर जनता के मुश्किल दिनों का साथी कौन था? जब गद्दी मिली तो क्या किया, और ना मिली तब कहां थे? हर वादों की पड़ताल होगी, हर एक काम का हिसाब होगा, हर चीज को परखा जाएगा, हर बात को तोला जाएगा। इस बार जनता लेगी सबकी खबर, और हर खबर से आप रहेंगे बाखबर। एच टीवी न्यूज पर देखिए काहार बा मुखिया जी, पंचायत चुनाव 2021 की मेगा कवरेज। आज पूर्वी चंपारण जिलाधिकारी शीर्षत कपिल अशोक एवं पुलिस अधीक्षक नवीन चंद्र झा ने भ्रमण कार्यक्रम के दौरान कृषि विज्ञान केंद्र पिपराकोठी का जायजा लेने पहुंचे। विदित हो कि आगामी 7 नवंबर 2021 को कृषि विज्ञान केंद्र एवं पशु प्रजनन उत्कृष्टता केंद्र पिपराकोठी मोतिहारी में देश के उपराष्ट्रपति, बिहार के राज्यपाल, सूबे के मुख्यमंत्री के साथ साथ अन्य कई मंत्रियों के आगमन का कार्यक्रम निर्धारित है। इसी परिप्रेक्ष्य में जिलाधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक द्वारा विधि व्यवस्था से संबंधित विस्तृत मंत्रणा की गई। निरीक्षण के क्रम में उन्होंने संबंधित पदाधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि आगमन के अवसर पर प्रोटोकॉल, सुरक्षा व्यवस्था, सड़क की मरम्मति, हेलीपैड निर्माण, सेफ हाउस, रूट प्लान, ट्रैफिक मैनेजमेंट, वाहन पार्किंग, ड्रॉप गेट, स्वास्थ्य सुविधा, अग्निशमन सुरक्षा आदि की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। उन्होंने निर्देश देते हुए कहा कि लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए बिना प्रवेश पत्र के कोई भी व्यक्ति प्रवेश न कर सके। आज जिला निर्वाचन पदाधिकारी पंचायत सह जिलाधिकारी शीर्षत कपिल अशोक एवं पुलिस अधीक्षक नवीन चंद्र झा के द्वारा पंचायत आम निर्वाचन 2021 के मद्देनजर आदर्श आचार संहिता उल्लंघन के मामले में एक बड़ी कार्रवाई की गई है। दरअसल जिलाधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक उपराष्ट्रपति के संभावित कार्यक्रम में विधि व्यवस्था संधारण हेतु कृषि विज्ञान केंद्र पिपराकोठी गए थे। वापस लौटने के दौरान आदर्श आचार संहिता उल्लंघन का मामला सामने आया। जानकारी के मुताबिक जिला परिषद पद के लिए उम्मीदवार नीतू देवी द्वारा सैकड़ों की संख्या में मोटरसाइकिल सवारों के साथ एनएच 28 पर व्यापक प्रचार प्रसार किया जा रहा था। जिला प्रशासन के काफिले को रुकते देख सैकड़ों मोटरसाइकिल सवार फरार हो गए, वहीं कुछ लोग मोटरसाइकिल छोड़कर भी भाग गए। इस दौरान जिलाधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक ने अनुमंडल पदाधिकारी मोतिहारी सदर एवं पुलिस उपाधीक्षक मोतिहारी को आवश्यक निर्देश देते हुए कहा कि आदर्श आचार संहिता उल्लंघन मामले में मोटर व्हीकल एक्ट के तहत नियम संगत कार्रवाई की जाए। वहीं वाहन सहित अभ्यर्थी को भी आवश्यक कार्रवाई हेतु थाने भेजा गया।
रबी मौसम में प्रखंडों में आयोजित होने वाले रबी प्रशिक्षण कार्यक्रम एवं रबी मौसम के शस्य क्रियाओं के प्रति किसानों को जागरूक करने के उद्देश्य से कृषि विभाग के द्वारा सभी प्रखंड क्षेत्रांतर्गत प्रचार प्रसार के लिए कृषि मंत्रालय बिहार द्वारा प्रचार रथ को रवाना किया जा रहा है। गौरतलब है कि 25 अक्टूबर से 9 सितंबर तक प्रखंडों में रबी प्रशिक्षण कार्यक्रम तथा सभी पंचायत में किसान चौपाल का आयोजन किया जा रहा है। इसी परिप्रेक्ष्य में आज मोतिहारी समाहरणालय से पूर्वी चंपारण जिलाधिकारी शीर्षत कपिल अशोक एवं पुलिस कप्तान नवीन चंद्र झा ने संयुक्त रूप से प्रचार रथ को हरी झंडी दिखाकर प्रखंडों में प्रचार प्रसार हेतु रवाना किया गया। एलईडी से युक्त प्रचार रथ के द्वारा दिखाए जाने वाले वीडियो और ऑडियो के माध्यम से किसानों को पराली जलाने से होने वाले हानि तथा पराली से कैसे लाभान्वित होना है के बारे में बताया जा रहा है। यांत्रिकरण का उपयोग तथा कीटनाशी के उपयोग के दौरान बरती जाने वाली सावधानियों के बारे में भी बताया जा रहा है। साथ ही कृषि से संबंधित आवश्यक जानकारी किसानों के बीच प्रचारित की जा रही है। फिनहरा थाना क्षेत्र के रुपौलिया पंचायत स्थित चौहान छपरा गाँव में एक व्यक्ति की मौत विद्युत स्पर्शाघात से हो गई। बताया जा रहा है कि मृतक विशेषकर में तो धान काटने गए, जहां अचानक 11,000 वोल्ट का तार गिरा, जिसकी चपेट में आने से उनकी मौत मौके पर हो गई। यह घटना 24 अक्टूबर की बताई जा रही है। जब देर शाम तक वे घर नहीं लौटे तो उनके घर वाले उनकी खोजबीन शुरू कर दी। देर रात्रि तक खोजबीन के बाद भी नहीं मिले। फिर काफी खोजबीन के बाद अगले दिन सुबह 7 बजे खेत से उनका शव मिला। ग्रामीणों ने थाना अध्यक्ष और अंचलाधिकारी को इसकी सूचना दी। सूचना मिलते ही अंचलाधिकारी विजेंद्र कुमार सिंह और थाना अध्यक्ष धनंजय शर्मा पुलिस बल के साथ पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल मोतिहारी भेज दिया। मौके पर जिला परिषद आकाश कुमार गुप्ता, रुपौलिया पंचायत के मुखिया पति राजीव कुमार सिंह ने पीड़ित परिवार को सांत्वना दी और बिजली विभाग से मुआवजा दिलवाने का आश्वासन दिया। नरकटियागंज प्रखंड अंतर्गत बेलवा में विगत दिनों उत्तराखंड के नैनीताल में भूस्खलन के दौरान हुई मौत के मृतकों के परिजनों को सहायता राशि के रूप में चेक दिया गया है। उक्त जानकारी देते हुए बीडीओ सतीश कुमार ने बताया कि उत्तराखंड के मुक्तेश्वर में प्रवासी मजदूरों की मौत भूस्खलन के दौरान हो गई थी। इस संबंध में मृतक के परिजनों को सहायता राशि के रूप में चेक दिया गया है। मृतक धीरज कुमार कुशवाहा की माँ फुल बदन देवी, इम्तियाज आलम की मां कसीरन खातून दोनों मृतकों के परिजनों को 20,000 रुपए की आर्थिक सहायता के रूप में चेक दिया गया है। मौके पर प्रखंड नाजिर प्रदीप पासवान, पूर्व मुखिया मोती शाह समेत अन्य मौजूद रहे। नरकटियागंज अनुमंडल अंतर्गत लौड़िया प्रखंड में पंचायत चुनाव को लेकर आगामी 3 नवंबर को मतदान किया जाना है, जिसके लिए प्रशासनिक तैयारियां जोरों पर है। इसी क्रम में साठी थाना अध्यक्ष ने सोमवार को थाना क्षेत्र में आने वाले पंचायतों के बूथों का भौतिक सत्यापन किया। इस दौरान दरोगा अरविंद कुमार सिंह व पुलिस बल मौजूद रहे। जानकारी देते हुए थाना अध्यक्ष ने बताया कि आगामी 3 नवंबर को होने वाले पंचायत चुनाव को लेकर साठी, बहुअरवा, धोबिनी, धर्मपुर, सिंहपुर, बसंतपुर, दलियान, परसौना और धनौड़ा पंचायत के अंतर्गत आने वाले बूथों का भौतिक सत्यापन किया गया है। निरीक्षण के दौरान बूथों पर बिजली, पानी, भवन और चार दीवारी का निरीक्षण किया गया, ताकि चुनाव कर्मी और मतदाताओं को किसी तरह की परेशानी ना हो सके। वहीं आने जाने वाले रास्तों को भी चिन्हित किया गया, साथ ही आसपास रहने वाले लोगों से भी बात किया गया, ताकि मतदाता किसी के बहकावे में ना आए, किसी से कोई लेन देन न करे। बताया गया कि अगर आपको कोई डराता या धमकाता है तो पुलिस को तुरंत इसकी सूचना दें, पुलिस आपकी सहायता तुरंत करेगी। भयमुक्त और निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए प्रशासन सदैव तत्पर है। मझौलिया थाना क्षेत्र के बैठनिया भानाचक पंचायत अंतर्गत वार्ड नंबर 9 में सिकंदर शर्मा के घर बीती रात्रि दरवाजे पर रखा सरिया चोरी होने का मामला प्रकाश में आया है। चोरी की यह वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। इस बाबत पीड़िता ने थाने में आवेदन देने की बात कही है। इधर थाना अध्यक्ष ने बताया कि आवेदन मिलते ही आवेदन के आलोक में कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी जाएगी। मझौलिया निर्वाची पदाधिकारी सह प्रखंड विकास पदाधिकारी बैजू कुमार मिश्रा ने पंचायत आम निर्वाचन 2021 के संबंध में पत्रकारों से बातचीत की। इस दौरान उन्होंने निष्पक्ष, पारदर्शी, भयमुक्त और स्वतंत्र रूप से निर्वाचन कराने की बात कही। सुनिए क्या कहा उन्होंने। पंचायत निर्वाचन 2021 में आज उसका प्रपत्र 5 का प्रकाशन आज किया जा रहा है। यहाँ पे पंचायत निर्वाचन का 5 पदों पे ग्राम पंचायत मुखिया, ग्राम पंचायत पंचायत समिति सदस्य, ग्राम कचहरी सरपंच, ग्राम वार्ड सदस्य और पंच का 5 पदों का प्रपत्र 5 प्रकाशन करेंगे। और हम लोग 26 अक्टूबर से 1 नवंबर तक हम लोग नामांकन दर्ज करेंगे और 5 नवंबर को प्रखंड कार्यालय परिसर में समीक्षा होगी और 8 नवंबर 21 को अभ्यर्थियों का नाम वापसी और उनको प्रतीक चिन्ह आवंटित किया जाएगा। प्रपत्र 5 का प्रकाशन सारे हमारे मझौलिया प्रखंड के सारे वार्डों में, वार्ड से संबंधित
पंच संबंधित और ग्राम पंचायत में और प्रखंड मुख्यालय पे सब जगह कर दी गई है, जिससे लोगों को सुविधा हो, असुविधा न हो और उनको ज़्यादा से ज़्यादा सुविधा हो। हमारी कोशिश यही है कि हम लोग इसका पारदर्शिता के साथ हम लोग पंचायत निर्वाचन 21 का निर्वहन करें और इसके लिए हम सभी हार्दिक रूप से मीडिया बंधुओं का हम हार्दिक आभार प्रकट करते हैं और उम्मीद करते हैं कि हम लोग एक साथ होकर पंचायत निर्वाचन 21 को पारदर्शिता के साथ संपन्न कराएंगे। आज के लिए बस इतना ही। एसटीवी न्यूज़ पर प्रसारित होने वाली खबरें प्रोग्राम्स आप जीटीपीएल के चैनल नंबर 985 और डेन के चैनल नंबर 155 के साथ साथ आप अपनी सुविधानुसार मोबाइल फ़ोन पर भी देख सकते हैं। अगर आप हमें यूट्यूब के माध्यम से देखना चाहते हैं तो एसटीवी न्यूज़ के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाकर ताज़ा वीडियोज़ की नोटिफिकेशन प्राप्त करें। फेसबुक पर हमारे साथ जुड़ने के लिए एसटीवी न्यूज़ के फेसबुक पेज को लाइक करें और ट्विटर पर एसटीवी न्यूज़ को फॉलो करें। तमाम लेटेस्ट अपडेट के लिए देखते रहिए उत्तर बिहार का सबसे तेजी से उभरता न्यूज़ चैनल एसटीवी न्यूज़, सच की आवाज़। नमस्कार। चुनाव में ताल ठोकने तो सब आ रहे हैं, पर जनता के मुश्किल दिनों का सारथी कौन था? जब गद्दी मिली तो क्या किया और ना मिली तब कहाँ थे? हर वादों की पड़ताल होगी, हर एक काम का हिसाब होगा, हर चीज को परखा जाएगा, हर बात को तोला जाएगा। इस बार जनता लेगी सबकी खबर और हर खबर से आप रहेंगे बाखबर। एचटीवी न्यूज पर देखिए काहार बा मुखिया जी, पंचायत चुनाव 2021 की मेगा कवरेज।